अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। आज हम लेक शोर आए हुए हैं। बस मौसम बहुत अच्छा है और सैटरडे है और करने को और कुछ भी नहीं है, तो लेक शोर आए हैं। बस एंटर हुए हैं, बारिश हो रही है और जब मैं एंटर हुई हूँ तो ये देखें लेक के साथ ये साड़ियाँ पहन के औरतें खड़ी हैं। अच्छा लग रहा है जी। आई डोंट नो इनका क्या कोई ओकेजन है। जगह ढूंढ रही हूँ, कोई जगह मिल जाए जहाँ पे हम आराम से बैठ के अपना बारबेक्यू कर सकें, खाना खा सकें। एक बड़ी मज़े की रेसिपी पता चली है, जो हमारे साथ एक गेस्ट आ जाएंगे, उन्होंने वो कराची से आए हैं और उनकी कोई ख़ानदानी कोई रेसिपी है बिहारी समथिंग या आई डोंट नो, वो आएंगे तो उनसे पूछती हूँ। आपको स्नेक नजर आया? कहाँ? Oh my God, is it alive? Yeah. Oh really? Oh my God. It's also move. This is dangerous. एक साइड पे नेट लगा दिया है, एक साइड पे ये हमें शेड बड़ा अच्छा सा मिल गया। आराम से उस पर हमने दोनों टेबल्स के ऊपर अपनी चीज़ें रखी हैं और बारबेक्यू के आई थिंक कोयले भी जल गए। ये देखिए जी यहाँ का सूट लेवल। चलें देखते हैं क्या बना रहे हैं ये लोग। मुझे बताएंगे कि ये आप रेसिपी में क्या है। रेसिपी में कि आपने बीफ में मसाला लगा लिया है, इसको आपने परोना कैसे? परोना कैसे? परोना है बिल्कुल वैसे ही, सुई धागा होता है उसके साथ आपने इसको परोना है ताकि मोहब्बत से कि ये बिल्कुल तरीके से आ जाए अंदर। और इसमें मसाले के अंदर ये बेसिकली बहुत बारीक पतली वो है, पतली स्लाइसेस करते हुए या स्ट्रिप्स करते हुए बिल्कुल। और ये जो रेसिपी है होपफुली इस पे हम जो प्लान है वो हमारा गलावट कबाब का है। अच्छा। तो जब हम निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा गलावा होना चाहिए। टेंडराइजर का थोड़ा सा इश्यू हो गया था। अच्छा। टेंडराइजर जो हमें चाहिए था वो टेंडराइजर नहीं मिला था, तो हमने एक लोकल टेंडराइजर यूज किया, तो वो हमारा नया एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, तो आपने खुद अपना मसाला यूज किया या शान का कोई मैरिनेट? शान का बिहारी बीफ बिहारी टेंडराइजर तो होता ही है ना, उसमें इतना नहीं होता, आपको अलग से टेंडराइजर ऐड करना होता है या तो आप दो दिन तीन दिन मैरिनेट करें। अच्छा, आपने कितने दिन किया? 24 आवर्स किया। अच्छा, बीफ की साइंस बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि हम स्पेशली पाकिस्तान में जो आप बीफ लेते हैं उसके बाद आप उसको वॉश कर देते हैं। अच्छा अच्छा, कटवाने में थोड़ा सा ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने कब तेज रखना है कब हल्का रखना है। क्या तेज और हल्का? स्पाइस। ओके। मीट को कम पकाए बेसिकली, उसको इतना अच्छा मैरिनेट करते हैं और इसको क्योर करते हैं, तो उसमें वो हल्की सी कुकिंग में वो पक जाता है लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होता। सही। बीफ का यूजली 5 से 6 दिन का मैरिनेशन टाइम। ये स्लो कुक की तरह हो रहा है, बहुत तेज नहीं है कोयले। वो आपका सीक्रेट है, आप नहीं बता रहे? नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे
शान का मसाला यूज किया है। हाँ जी घुमा देगा ना, शान का मसाला यूज किया, दही डाली है, ऑयल डाला है, लेमन डाला है। शान का कौन सा मसाला यूज किया? बीफ बिहारी मसाला। बीफ बिहारी, और फिर बीच में कुछ चपता भी एडिशन किया आपने? इसमें अभी नहीं, अभी इस वक्त नहीं किया, वरना इसमें आप हरी मिर्च कुतरी हुई डाल दें। हाँ, जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मस्त है, वो आपने डाला है ना? हाँ, मस्त है। मतलब शान का बिहारी मसाला जो यूज किया, उसके अलावा आपने जिंजर गार्लिक भी डाला। जिंजर गार्लिक भी डाला है, इसमें दही डाली है, ठीक है, कड़वा तेल डालना था, वो जो मस्टर्ड ऑयल होता है। अच्छा, वो था नहीं। क्यों, ये क्यों जरूरी है? मस्टर्ड ऑयल टेस्ट आ जाता है उसमें। अच्छा, बीफ के साथ मस्टर्ड ऑयल हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा, हेल्दी भी होता है ना मस्टर्ड ऑयल। तो बहुत ही जालिम किस्म। हाँ, ये गिलावट है बिल्कुल। इसको गिलावट क्या कहते हैं? लाइक बहुत वो होता है, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, निकालूंगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ओके, इतनी नफासत से आपने काटा है, बहुत प्यारा काटा है, एक बड़ा तमीज वाला। हाँ, ये वो आंटी से बैठा। सुगड़ बहु कैसे हमें, मतलब कैसे, हाओ हमने नहीं बताया। कोई वकार भाई, कोई उद्दम बने जी, वकार भाई हो गया जबरदस्त। ये आप चक्के दिखा दिखा, ओए होए होए, ओके बिहारी बहुत मजे का, टू गुड। मैं वैसे बहुत बीफ ईटर हूँ नहीं, लेकिन बहुत मजे का, इसको देख के दिल कर रहा खाने को। खाना हमारा आ गया, नान ये खोलें जी, या हमारा क्या है ये, मलाई बोटी एंड चिकन टिक्का विद रायता एंड बिहारी कबाब, जबरदस्त किस्म के। चलें जी स्टार्ट करें। Look who's talking. केटल है, मैं रख देती हूँ। ये गई हमारी चाय। Wow, look at the shakal. Shakal. Chai le lo, ande le lo, garam ande. Saath hi beech mein ande aa gaye. Garam ande. Kaise? चाय वाला आया, देखो चाय वाला। आप चाय नहीं पी, आप जीती कैसे हैं? कैसे जीती हैं? हाँ, और ये देखें जरा नजारा,
अभी चांद निकलने वाला है, अभी तक तो नहीं निकला। और ये प्यारा सा मंजर, बच्चे हैं साथ, चाय है साथ, दुखों और सुखों की साथी। जी बाजी, जी बाजी, हाँ मच्छर। चलें जी, शाम हो गई है, मगरिब का टाइम हो गया है। वो टोरंटो की लाइटें नज़र आ रही हैं, सीएन टावर नज़र आ रहा है, सब लोग अपने घरों को चले गए हैं। बस आई थिंक हम लास्ट वंस हैं। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, ये देखें कैसा साफ शफाफ पानी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलें दोबारा मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।